पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और जांच पड़ताल करने एक बार फिर हम आ गए हैं। देखिए, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पलटने की तैयारी चल रही है, चर्चाएं हो रही हैं ऐसी राजनीति गलियारे में कि नीतीश फिर से पाला बदल सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे उनकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में कुछ सियासी संकट उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। एकाएक नीतीश कुमार ने जो फैसले लेने शुरू किए हैं, ताबड़तोड़ बैठक उनके पार्टी के अंदर चल रहा है, या फिर मंत्रियों को जिस तरीके से उन्होंने एक्टिव किया है, अपने अपने विभाग में उनको काम पर लगा दिया है कि आप जितना जल्दी हो सके काम निपटाइए। एकाएक आईएएस आईपीएसओ के तबादले की जो चर्चा हो रही है, इन सब के बीच में आपने देखा होगा नीतीश के यात्रा पर भी जाने की चर्चा खूब उठ रही है कि नीतीश कुमार यात्रा पर जा सकते हैं। अचानक से बिहार की राजनीति में सियासत संकट जो उत्पन्न हुआ है लोगों के मन में, या फिर जनता ये सोच रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटने का मूड बना रहे हैं। तेजस्वी से मुलाकात एक बड़ा उदाहरण इसका देखा जा रहा है। तेजस्वी से मुलाकात करने के बाद ऐसा जोड़ा जा रहा है कि नीतीश फिर से पलट सकते हैं। कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के तरफ से आज एक संगठनात्मक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो चर्चाएं उठी कि बैठक आने वाले बिहार के राजनीति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संगठन के बैठक में कई जिम्मेदार व्यक्तियों को बड़ा पद दिया गया है, जैसे पूर्व सांसद की अगर बातचीत करें, जहानाबाद के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, जिनको अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा कई दिग्गज नेताओं को फ्रेम में उतारा गया है। इस वक्त जदयू कार्यालय में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जांच पड़ताल में हमारे संपादक नमन मिश्रा सर फोन लाइन पर जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देंगे कि जदयू कार्यालय में आज दिग्गज मंत्री पहुंचे हुए हैं, अशोक चौधरी हो या फिर एमएलसी की बातचीत करें, एक से एक बड़े एमएलसी। इसके साथ साथ जो लोग ज्वाइनिंग किए हैं, जैसे आरजेडी छोड़कर कई लोग आए, श्याम रजक भी मंच पर मौजूद थे, संजय झा भी मंच पर मौजूद हैं, विजय चौधरी मौजूद हैं मंच पर। इसके अलावा आप प्रभुनाथ सिंह के बेटे की अगर बातचीत करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि दिग्गज नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर लगाया गया है। इसके बीच में एक चर्चा ये भी चल रही है कि जदयू के अंदर कई व्यक्ति नाराज चल रहे हैं संगठन में हुए बदलाव को लेकर, या फिर नीतीश कुमार के जो अचानक से सियासी संकट की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उस पर भी नाराजगी चल रही है। तो क्या वाकई में नीतीश पलटने की तैयारी कर रहे हैं? जांच पड़ताल में फोन लाइन पर हमारे संपादक हैं, इनसे पूछेंगे, चर्चा करेंगे कि सर जदयू कार्यालय में हम मौजूद हैं और जो चर्चाएं यहाँ चल रही हैं कि नीतीश कुमार को अचानक से ये बैठक बुलाना पड़ा है, आनंद फानन में कई दिग्गज नेता मौजूद है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कुछ बड़ा करने की तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं क्या? देखिए, निश्चित ही नीतीश कुमार कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। आपने जो भी संकेत बताए, इन संकेतों को सुनने के बाद जो दर्शक हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वो भी ये बात समझ गए होंगे कि कुछ तो होने वाला है। नीतीश अपनी यात्रा पर जाएंगे, संगठन के विस्तार में लगेंगे। देखिए, इस बार कई फैक्टर्स हैं। तेजस्वी यादव पहले ही यात्रा पर जा चुके हैं, वो अपने संगठन के विस्तार को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार और वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों को लेकर लगातार एक बुलेटिन चला रहे हैं जिसमें वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। कभी क्राइम की खबरें, कभी करप्शन की खबरें, कभी भ्रष्टाचार, जो आजकल नया एक जमीन सर्वे शुरू हो गया है उसमें, तो ये एक सिलसिलेवार तरीके से हमला वर्तमान सरकार पर शुरू कर दिया है विपक्ष ने। लेकिन इतना ही नहीं है, प्रशांत किशोर भी जिस तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, इससे भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अवगत कराया गया होगा। नीतीश समझ रहे होंगे कि आगे चल के ये भी एक बड़ा नासूर बनने जा रहे हैं राजनीति में नीतीश कुमार के लिए। और वर्तमान जो गठबंधन नीतीश कुमार का है, इसमें भी नीतीश कुमार के सांसदों और विधायकों की जो वर्तमान ताकत है, जिसके चलते केंद्र और बिहार की सरकार बची हुई है, इसमें इसके चलते भी नीतीश कुमार को बस टॉलरेट किया जा रहा है। अगर भाजपा या चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा या माझी जी से अगर पूछा जाएगा बंद कमरे में कि आप बिहार में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, तो नीतीश तो उनका जवाब नहीं होंगे उस बंद कमरे में, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आज मजबूरी बस कहीं ना कहीं नाम लिया, अगर सब ले रहे हैं नीतीश कुमार का, तो उसका एक ही कारण है कि केंद्र की सरकार के लिए नीतीश कुमार के सांसदों की सहयोग की आवश्यकता है। और अगर नीतीश कुमार कोई बैठक या कोई बड़ा फैसला जब करने लगते हैं बैठकर अपने सारे दिग्गज नेताओं के साथ,
आपने कहा संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, श्याम रजक तुरंत आए हैं उनको बिठाया गया है, विजेंद्र चौधरी हैं, तो यही तो वो कोर कमेटी है जो नीतीश कुमार के फैसलों को सुनती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है। बिल्कुल, अगर कुछ बड़ा करने वाले हैं तो निश्चित ही इन लोगों के समक्ष बिठाकर ही करेंगे। मुझे ये भी खबर मिली कि पार्टी के जनप्रतिनिधियों को ज्यादा इसमें तवज्जो नहीं दिया गया है। ये जिस तरीके से संगठनात्मक बैठक है और संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव को लेकर ही इस बैठक को किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही संगठन को लेकर विस्तार की बातें भी आई थी, ये भी खबरें आई थी कि क्योंकि फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, तो उनको एक अच्छी कमेटी देकर आगे चुनाव में एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, या बिहार में भी जो संगठनात्मक जो बदलाव करने हैं उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष पर भी गाज गिर सकती है। इन सारी खबरों के बीच आपको ये भी पता होगा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी जी सर, चौधरी के एक बयान को पार्टी के लोग ही जिस तरीके से खंगालने और फिचने लगे, इससे समझ में आ गया कि निश्चित ही पार्टी में दो धुरियां बन गई हैं। कभी देवेश ठाकुर का बयान, कभी नीरज कुमार का बयान, कभी अशोक चौधरी का बयान, ये साबित करता है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोग वर्तमान अरेंजमेंट में बहुत संतुष्ट हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वर्तमान अरेंजमेंट को अगर थोड़ा बहुत हिलाया जाएगा तो उनको ही फायदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी के बयान के बाद और उस बयान पर जो जदयू के कुछ नेता हैं तथा कथित उनके प्रतिक्रिया के बाद ये समझ में आ जाता है कि नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी को पूरी तरह से कंट्रोल करके एक साथ रख पाना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। जी। उसके बाद आपने देखा कि तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा खुलासा अशोक चौधरी ने किया, एक अच्छा अदावत दोनों के बीच में 24 घंटे हुआ, जिसमें अशोक चौधरी के चैलेंज पर तेजस्वी यादव ने वीडियो रिलीज किया नीतीश कुमार का। उसके बाद आपने देखा, कल ही आपने विश्लेषण किया था कि उस वीडियो के बाद अशोक चौधरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो अपने घर पर बुलाते हैं और उसी के पैरल उसी दौरान उसी वक्त पार्टी कार्यालय में भी नीरज कुमार उसी मामले पर बैठक बुलाते हैं। यानी निश्चित ही यहाँ क्रेडिट चोरी करने की बात चल रही है, यहाँ ब्राउनी पॉइंट नेता के सामने इकट्ठा करने की बात चल रही है, सभी नेता के समक्ष अपने सिक्के बुलंद करना चाहते हैं और सामने वाले को कमजोर करना चाहते हैं। जी है। और देखिए, किसी भी परिवार में अगर विवाद होता है, अगर हम जदयू को एक संगठन को एक परिवार समझें, किसी परिवार में विवाद होता है तो इसी तरह से चुगली शुरू हो जाती है, एक दूसरे की कानापूसी शुरू हो जाती है, एक दूसरे को गिराने और उठाने की बात शुरू हो जाती है और ये अब एविडेंट है, ये दिख रहा है। अब रही बात आज के बैठक की, आज के बैठक में भी एक दो समस्याएं नहीं है। जी। आप विजेंद्र यादव वाला पहलू बेहतर समझा पाइएगा तो आप ही समझाइए, उसके बाद दूसरा पहलू मैं समझाता हूँ। देखिए, विजेंद्र यादव पहले तो उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने एक बयान दिया, उनके फोटो जो है वो पोस्टर से गायब दिखे, चूंकि संगठनात्मक बैठक है और विजेंद्र यादव कितने करीबी है नीतीश कुमार के, ये हर कार्यक्रम और हर बैठक के एक बड़ा विधायकों का झुंड है जो विजेंद्र यादव को अपना नेता मानता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाल में ही नीतीश कुमार की सरकार नहीं बचती, अगर खेल होने की बात चल रही थी राजद की सरकार के दौरान, राजद उनके विधायक तो लेगी, विजेंद्र यादव का साथ नहीं देते तो निश्चित ही नीतीश कुमार के 12-15 विधायक आराम से टूट जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये विजेंद्र यादव के बारे में तेजस्वी यादव ने भी कई बार इशारों इशारों में बातें कही हैं, जब विधानसभा के अंदर वो भाषण दे रहे थे तब भी उन्होंने इस बात का चर्चा किया था। तो उनका पोस्टर जो उनका फोटो जो था वो पोस्टर से गायब था, वो भागे भागे जदयू कार्यालय पहुंचे, उनको बुलाया गया तो उन्होंने एक बयान दे दिया मीडिया में, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मतलब जनता दल में नहीं है। उसके बाद इस बयान के बाद वो चले गए अंदर, लेकिन अभी सर जब वो बाहर आए हैं, बाहर निकले हैं, तो बाहर निकल के उन्होंने अचानक से अपना बयान पलट दिया। जब हमने सवाल किया अपने कैमरे पर, जब पूछा उनसे कि सर नाराजगी आपकी है क्या जनता दल यूनाइटेड से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम मजाक कर रहे थे आपसे। तो ये सर अचानक से बयान को भी पलट देना, कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो उठ रही हैं, तो इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या वाकई में विजेंद्र यादव की नाराजगी बढ़ी है या फिर कुछ और इशारा वो करना चाह रहे थे? देखिए, कोसी सीमांचल और सुपौल राजनीति के वो बड़े धुरी हैं जदयू के। ये सच है कि वहाँ के MP MLA और मंत्री तक विजेंद्र यादव के अधीन ही रहते हैं और नीतीश कुमार के जो कुछ सेनापति मजबूत है उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान उनका आता है। पार्टी के बड़े कार्यक्रम में उनकी तस्वीर नहीं होना उनके लिए अपमानजनक है ही, और अगर उस अपमान के बदले वो बिदक जाते हैं या नाराज होकर कार्यक्रम छोड़ने की बात करते हैं या पार्टी में नहीं होने की बात करते हैं तो ये मजाक नहीं है।
ये जो इंस्टेंट आउटबर्स है उनका, वो तत्काल में जो उनको जो महसूस हुआ वो उन्होंने बता दिया। अब अंदर जाने के बाद उन्हें निश्चित ही समझाया बुझाया गया होगा, मनाया गया होगा, ये कहा गया होगा कि किसी की त्रुटि है, बहुत छोटे से कार्यकर्ता की त्रुटि है, ये आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है आपकी तस्वीर गायब होना। लेकिन विवाद तो उत्पन्न हो गया ना, बिजेंद्र यादव नीतीश कुमार के पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े स्टॉक होल्डर हैं, उनके पास नीतीश के विधायकों की एक बड़ी संख्या है, और वो कभी भी चाहें तो नीतीश कुमार को धोखा अगर देना चाहें तो एक बड़ा खेल हो सकता है बिहार में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये उनकी ये सच है कि उनकी ईमानदारी नीतीश के प्रति हमेशा रही है, ये जग जाहिर रहा है, और नीतीश कुमार भी बिजेंद्र यादव को इसीलिए लगातार मंत्री हर बार बनाते चले जाते हैं, एक बड़ी हिस्सेदारी उनको बिहार सरकार में मिलती है, ये भी एविडेंट है। लेकिन एक और बड़ी समस्या इस कार्यक्रम के दौरान हुई है, आपने देखा होगा कि जब कार्यकर्ता इस बैठक में बैठ रहे थे तो उन सबको एक फॉर्म दिया जा रहा था, जी जी जी, बिहार प्रदेश जनता दल नाम का ये फॉर्म दिया जा रहा था, जिसमें नाम, पद, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार का पता सब पार्टी संगठित कर रही है। तो क्या ये सर माना जाए कि ये एग्रीमेंट है एक तरीके से कि आपको रहना है पार्टी में, या फिर क्या फैसला है आपको, या फिर कुछ और मामला है? बिल्कुल, ये फॉर्म जो भराया जा रहा था इसमें वो सारे डिटेल्स लिए जा रहे हैं, जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के सदस्य हैं, तो निश्चित ही पार्टी के पास उनका पत्राचार और दूरचार सबका दूरभाष का सबका होगा डिटेल। लेकिन एकाएक फिर से ये चीजें पूछ लेना एक बैठक में, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन इन चीजों से विवाद किसी को नहीं है, आप जान लीजिए, दर्शक भी ये बात जाने, तस्वीर स्क्रीन पर लगाई जाए, जी। ये तस्वीर जो मैंने भेजा है, इसको तस्वीर को लगाई जाए, आप जरा तस्वीर को ध्यान से देखिए, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़कर ईमेल आईडी के और पत्राचार के बीच में आप देखिए क्या है, जी, जाति है, जी 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 बिल्कुल सर, पार्टी के नेताओं की जाति पूछी जा रही है, जी। अब बताइए, जिस सरकार ने सर्वे कराया जातिगत जनगणना, जिस सरकार ने नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि वो जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, उस पार्टी में अगर आप बैठे हुए हैं कार्यक्रम में और आपकी जाति पूछी जाए, तो क्या नाराजगी नहीं होगी? बिल्कुल सर, ये एक बहुत देखिए, बिहार की जनता की के जात पूछ कर उनके संख्या को निर्धारित करके और संख्या के आधार पर आप पॉलिटिकल स्कीम्स या सरकारी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की जात पूछकर आप क्या कीजिएगा? क्या किसी विशेष जाति को ज्यादा तवज्जो देना है? लेकिन सर ये क्यों, तो फिर अशोक चौधरी ने गलत क्या कहा था और इस पर इतना विवाद क्यों हुआ? अशोक चौधरी ने जब ये कहा कि भूमिहार समाज ने थोड़ा अगर ध्यान दिया होता तो ये जीत गए होते हम जहानाबाद भी, तो अशोक चौधरी ने गलत क्या कहा? अशोक चौधरी को कहा गया कि वो जातिवादी हैं, वो ये करते हैं वो करते, अशोक चौधरी ने फिर गलत क्या कहा? अशोक चौधरी ने तो ये किसी एक खास जाति को लेकर टारगेट भी नहीं किया, उन्होंने तो बस कहा कि भाई अगर भूमिहार समाज साथ दे देता हमारा तो हम ये भी सीट जीत गए होते। आज जब पार्टी के शीर्ष नेता, पार्टी के संगठनकर्ता, पार्टी के निर्णायक नेता अगर ये जानना चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता का जाति क्या है, तो निश्चित ही इसके बाद एक बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। मुझे खबर मिली है कि पार्टी के इंटरनल जो सोर्सेस हैं वो पार्टी को किसी एक तरफ खींच कर ले जाना चाहते हैं, ये इससे ज्यादा मैं इस वक्त नहीं समझा सकता हूँ आपको। सर ये ये भी जान लीजिए रत्नेश जी और दर्शक भी जान लें कि ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, और इस वक्त बैठक में सम्मिलित होने वाले कई लोगों ने मुझे फोन करके ये सूचना दी है कि अंदर ही अंदर इस बैठक में नाराजगी का एक ज्वार उमड़ रहा है, ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है, और लोग इतने नाराज हैं, उन्हें पता है कि ये जाति वाला सवाल किसने डलवाया है और क्यों डलवाया है। निश्चित ही मैं इस वक्त इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं तुरंत ये सारी बातें आपको बता दूं, लेकिन जान लीजिएगा मैं तुरंत ही सारी जानकारी इकट्ठा करके आपको, दर्शकों को, सबको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसके पीछे खेल क्या चल रहा है। जाति का कॉलम जोड़कर संगठन के एक दस्तावेज में पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेता कौन सा नया खेल, मैं तो कहूंगा इनफैक्ट घिनौना खेल खेलना चाह रहे हैं, ये भी आगे चल के हमको समझ में आएगा। जी। और नाराजगी इतनी है कि संगठन के कई नेता वहां जो मौजूद हैं उन्होंने फॉर्म में जाति अपनी नहीं भरी,
कहा नीतीश जी को पता होगा मेरी जाति, या संगठन के नेता को पता होनी चाहिए मेरी जाति कौन सी है जी। और अगर जाति के आधार पर ही मेरा वरीयता तय होगा या मेरी जिम्मेवारियां तय होंगी तो ऐसी पार्टी में रहकर फायदा क्या, इससे बढ़िया तो राजद है। कम से कम एक जातीय समीकरण को लेकर राजद चलती तो है सेमलेसली, अनअपोलोजेटिकली। अगर राजद या मुकेश सहनी की पार्टी या माझी जी की पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या चिराग पासवान की पार्टी को जाति से जोड़कर देखा जाता है तो आज जदयू ने भी तो अपने आप को साबित कर दिया कि वो जातीय समीकरण में सिमटी रहना चाहती है। निश्चित ही रत्नेश जी आपकी नजर इस खबर पर होनी चाहिए। बिल्कुल, खबर पर जो बड़ा विशेष अपडेट है वो हम आपको आगे देंगे, लेकिन जान लीजिए कि पार्टी में आज जो बैठक हुई है जहाँ पिछड़े नेता तो नाराज हैं ही इस जाति के कॉलम से, अगले नेता तो पूरी तरीके से आग बबूला हो गए हैं। बिल्कुल, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसने ये कॉलम ऐड कराया और इसके पीछे का मंशा क्या है। बहुत जल्द दर्शकों को मैं ये पूरी डिटेल दूंगा कि आखिर सर मंशा क्या थी। 4 बजे इस मीटिंग के बाद एक बैठक भी होगा, एक पीसी भी होगा, और शायद पीसी में ये सवाल हम रखेंगे जो भी वहाँ पे बैठे हैं उनसे जानने की कोशिश होगी कि आखिरकार ये जाति का कॉलम क्यों डाला गया है इसमें। जी। चलिए दर्शकों, तो आपने देखा जांच पड़ताल में जदयू में चल रही हाई लेवल बैठक को लेकर हम जांच पड़ताल कर रहे थे, हमारे संपादक नमन मिश्रा सर मौजूद थे। आगे के जो भी अपडेट होंगे यहां से हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।